दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं VI वोडाफोन आई नहीं VI वोडाफोन आइडिया की इंटरनेट स्पीड को कैसे इंक्रीज किया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है। अगर आप अपने VI वोडाफोन आइडिया की इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हो, सीखने वाले हो कि वोडाफोन आइडिया की इंटरनेट स्पीड को उस प्रकार बूस्ट किया जाता है, किस प्रकार फास्ट किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपको जो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज जो तरीका आज आपको बताने वाला हूं ये आपके काफी ज्यादा काम आएगा, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप सभी दोस्तों के पास और अपने फैमिली फ्रेंड्स में पहुंचाने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने नहीं पहुंचाया है तो आप जरूर पहुंचाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो यह वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं VI यानी कि वोडाफोन आइडिया की इंटरनेट स्पीड को कैसे इंक्रीज करें। अगर आप भी वोडाफोन आइडिया की इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं तो यार आप हमारी ये वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि वोडाफोन आइडिया की इंटरनेट स्पीड को कैसे इंक्रीज किया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो यार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो आज हम जानने वाले हैं कि वोडाफोन आइडिया की इंटरनेट स्पीड को कैसे इंक्रीज किया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन पर जाना है और स्मार्टफोन के अंदर यहाँ पर मैं आपको जो स्टेप, जो तरीके, जो मेथड बताने वाला हूँ वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मेथड रहने वाला है। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर सेटिंग का जहाँ कहीं भी ऑप्शंस देखने को मिलता है आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आएगा कनेक्शन सेटिंग्स का। इस कनेक्शन वाले सेटिंग्स के अंदर हमें क्लिक करना है। कनेक्शन सेटिंग्स पर जैसे ही हम आप क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा मोबाइल नेटवर्क का। मोबाइल नेटवर्क पर हमें क्लिक करना है। मोबाइल नेटवर्क के अंदर जैसे ही आप आओगे तो नीचे की ओर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा क्या, एक्सेस पॉइंट नेम का। इस एक्सेस पॉइंट नेम यानी APN सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। ये जियो की हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें यहां पर जाना है सिम नंबर 2 पर जो कि वोडाफोन आइडिया की देखने को मिलती है। इसके लिए आपको यहां पर टाइप करना है 8 पर, क्योंकि हमें नई सेटिंग का यूज में लेना है। यहां पर आपको लिखना है वोडाफोन आइडिया 5G टर्बोनेट, ओके करते हैं। इसके बाद दोस्तों APN सेटिंग्स पर जाना है, यहां पर लिखना है आपको VI, क्या करना है आपको VI डॉट को डॉट इन, ओके कर दे। इसके बाद आपको प्रोक्सी नोट, पोर्ट नोट, यूजर नेम पर आपको जाना है। यूजर नेम पर आपको लिखना है वोडाफोन, देखिए वोडाफोन आ गया। इसके बाद में आपको लिखना है आइडिया पीछे की ओर, ये लिख दिया है। इसके बाद आपको इसे सिंपली ओके कर दें। इसके बाद में आपको नीचे के जो ऑप्शन आता है पासवर्ड, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, सर्वर की जरूरत नहीं है, MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, MCC और MNC, इनको एज ए टीज रहने दें, किसी भी तरह के चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिकेशन टाइप में PAPN CHFP को सेलेक्ट कर लेना है और APN रोमिंग प्रोटोकॉल के अंदर आपको IPv4 एंड IPv6, APN रोमिंग प्रोटोकॉल IPv4 एंड IPv6 बैरियर्स पर जाना है और बैरियर्स पर जो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ इनको टिक लगाइए। और नीचे की ओर आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ओके का, इस ओके वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आता है मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क टाइप, अगर आपने जो eSIM का यूज करते हैं तो इसको छेड़िए, अदरवाइज को छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर जाना है, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन हमें देखने को मिलता है सेव का, इस सेव वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। सेव पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे फिर इसको हमें यहाँ से एक्टिवेट करना है और फिर इंटरनेट को यहाँ से बाद में हम एक्सेस करेंगे तो हमारी जो इंटरनेट की स्पीड है वो पहले की तुलना में काफ़ी सुपर फास्ट एंड काफ़ी ज़्यादा तगड़ी स्पीड हमें देखने को मिलेगी। तो जो ये इंटरनेट सेटिंग मैंने आपको बताई
लगाइए, इसका यूज करिए। आई होप अगर आपके एरिया में ये सेटिंग वर्क करती है और फास्टली इंटरनेट चलता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएं। तो यह वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।